नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजीव गुप्ता। लॉकडाउन पार्ट 3 जैसा आप जानते हैं चालू हो चुका है। 17 दिन के लिए और लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं दुकान खोलने के लिए, हर चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, सीधी ज़िले के सियावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमिलिया में एक लौता यूनियन बैंक है जिसकी ब्रांच अलग अलग जगहों पर है। लेकिन आज नज़ारा मुझे देखने को ये मिला कि जिस तरीके से कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने के लिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करना है, हाथ धोने के उपयोग करने हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा मुझे अमिलिया यूनियन बैंक में देखने को नहीं मिला, जो आप मेरे विजुअल पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जब इसकी सूचना मैंने बैंक मैनेजर को दी और बैंक मैनेजर से मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया, तो बैंक मैनेजर का जवाब था कि आप पहले मेरे बैंक से बाहर चले जाएं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बैंक के बाहर भी आए बैंक मैनेजर। जब मैं उनसे बात करने का प्रयास किया इस विषय पर कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसका पालन आखिर में क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनका जवाब बड़ा अटपटा सा था। बोले कैमरा बंद कर दो, कैमरे में मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मेरा कैमरा जो है बंद करवा दिया गया और अपनी जिम्मेदारी, जो उनको जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नज़र आए यूनियन बैंक के बैंक मैनेजर। जब मैंने उनका नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। ये स्थिति है यूनियन बैंक अमिलिया की, जहाँ पर कोरोना जैसे महासंकट से लोग जूझ रहे हैं और सरकार द्वारा हमेशा एडवाइजरी जारी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बात की जा रही है, छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई हो जाती है नियम का उल्लंघन करने पर। क्या बैंक मैनेजरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? ये मेरा प्रश्न चिन्ह है। आप मेरे विजुअल पर साफ तौर पर देख सकते हैं जिस प्रकार का नज़ारा था, और मेरा प्रश्न है जिला प्रशासन से कि आखिर में ऐसे बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, जो मीडिया को ही बैंक से बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं और अपने सवालों से बचते नज़र आते हैं। ये नज़ारा रहा सियावल के अमिलिया में यूनियन बैंक का, जो विजुअल पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, फिर हम आपको नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। कहीं ना कहीं पर लॉकडाउन पार्ट 3 आपको दिखाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।